बेटा आपका सेकंड चैप्टर जो आपका ऑडियंस था समानताएं तथा भिन्नताएं, ठीक है, वो चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया था। देयर आर सम सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन क्रिएचर्स, प्राणियों के बीच जो समानताएं और कुछ भिन्नताएं होती हैं उन्हीं के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट वीडियोज में। तो इस वीडियो में बेटा जो रिमेनिंग पार्ट्स था, जो आपका कुछ रह गया है, उसी को हम एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे। तो हमने अभी तक सीखा कि हर प्राणी में कुछ ना कुछ समानताएं होती हैं, कुछ भिन्नताएं होती हैं। तो जैसे कि अपनी समानताएं क्या है, वृद्धि, वृद्धि जो है सजीव चीजों में वृद्धि समान रूप से होती है। समान रूप का मतलब कि कोई ज़्यादा ग्रोथ करता है, कोई कम ग्रोथ करता है, लेकिन वृद्धि दोनों में होती है। फिर आपका भोजन की आवश्यकता भी सजीव लोगों, सजीव चीज़ों में बराबर होती है, चाहे एनिमल्स हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, इन सभी में भोजन की आवश्यकता जरूरी होती है। हमारे पॉइंट्स से पहले कि गति, गति मीन्स मोशन, हर प्राणी जो चल फिर सकता है उसमें मोशन होता है। जैसे कि हम चल सकते हैं, फिर सकते हैं, एनिमल भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, बस प्लांट्स एंड ट्रीज वो नहीं यहाँ से वहाँ जाते। लेकिन आपने एक चीज़ देखी होगी, प्लांट्स अपने ही प्लेस पे वो क्या होते हैं, वो ग्रोथ, उनका ग्रोथ होती जाती है, वो बढ़ते जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दे ग्रोथ, जैसा यह प्लांट वो कैसे दिखते हैं, प्लांट कितने दिखते हैं, फिर थोड़े और बड़े होते हैं, फिर थोड़े और बड़े होते हैं, फिर वो ट्रीज बन जाते हैं। तो उसमें भी आपकी वृद्धि दिखाई देती है और एक तरह का हम कह सकते हैं थोड़ी सी गति भी दिखाई देती है। गति कैसे, जब हवा चलती है तो वो ही मूवमेंट करते हैं, क्योंकि प्लांट्स आपके सजीव चीज़ों में आते हैं। तो हम गति में से किस्म को उनका इतना मेंशन कर सकते हैं कि वो भी गति करते हैं। फिर है आपका श्वसन, श्वसन था हमारा, आपको बताया था कि सांस सभी लोग लेते हैं, सभी लोग का मतलब लिविंग थिंग्स यानी कि सजीव चीज़ें। फिर हम आते हैं बेटा उसी में आपका था अनुभव, लास्ट हमारी क्लास में लास्ट टॉपिक था, लास्ट पॉइंट था आपका अनुभव, लास्ट क्लास में। अनुभव मीन्स फील, हाउ कैन यू फील, कैसे फील करते हैं, अपनी त्वचा से फील करते हैं, है ना, कैसे फील करते हैं, हमें त्वचा से फील करते हैं कि अगर हमारी त्वचा पे कुछ होता है तो वहाँ पे आपको फील होता है। इस वीडियो में बेटा हम आपको जो आपका जो चैप्टर फिनिश नहीं हुआ था और जो पार्ट्स बच गया था उसी से रिलेटेड आपको पढ़ाएंगे आगे। सबसे पहले रीडिंग कर लेते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप ताप को अनुभव कर प्रतिक्रिया करते हैं, इसी प्रकार जंतु भी अनुभव व प्रतिक्रिया करते हैं। कुत्ते को सुई चुभ हुई व उस स्थान से भाग जाता है, पौधे भी अनुभव एवं प्रतिक्रिया करते हैं। अपने ही जैसे प्राणी को जन्म देते हैं,
लिविंग